चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर दो स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। पार्लियामेंट का जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उनके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहता है, ये हो सकता है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जो यूएस के अंदर फॉलो किया जाता है, वहां पर वो जो सिस्टम है वो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड होता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो कॉपरेशन की बात करी जा रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को पोज करिए, आंसर के बारे में सोचिए, फिर वापिस आके डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, जो हमने किससे लिया, यूके से लिया, उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, आपको पता है तीन ऑर्गन होते हैं, तो यहां पे लेजिस्लेचर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जुडिशरी होती है। तो इस सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच में, लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव के बीच में। आपने वो पार्लियामेंट में भी देखा होगा, दोनों के बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होता है, हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशंस होती है और डिसीजंस लिए जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। सेकंड, देखिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड होता है, क्योंकि वहां पर लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी तीनों ही बिल्कुल वाटरटाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है उसके अंदर। लेकिन अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें, आपको पता होगा कि जो हमारा सिस्टम है वहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इवन तो सेपरेशन ऑफ पावर को हम भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो वाटरटाइट नहीं है, क्योंकि जो भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर कुछ ना कुछ चीज करता रहता है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव की भी इंटरवेंशन रहती है लेजिस्लेचर और जुडिशरी ऑर्गन में, और जुडिशरी के तो आपको पता ही है जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के साथ कुछ ना कुछ यहां पर चेंजेस होते रहते हैं। तो यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वाटरटाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, लेकिन अगर हमारे सिस्टम की बात करी जाए तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इवन दो अलग है, लेकिन फिर भी ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से बात करते रहते हैं और यहां पे वाटरटाइट सेपरेशन नहीं होता।